लखनऊ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बंद करा रही है। अखिलेश ने कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। अखिलेश एसपी सरकार आने पर किसानों को आय बढ़ाने का काम करेंगे। जनजागरण जाति के आधार पर होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। आपको बता दें आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है और बीजेपी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बंद करा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको बीजेपी सरकार बंद करा रही है। एसपी सरकार आने पर किसानों को आय बढ़ाने का काम करेंगे, ये बात खुद अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों की आय को बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधने का अखिलेश यादव का एक तरफ से ये था, जहां LIC और एयर इंडिया के अपने शेयर्स को केंद्र सरकार बेचने को कह रही है, उसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए।